इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्नैपेस के ट्रेड टू विन ड्रॉ के बारे में, जहां पर आप बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रेड करके, स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करके काफी अच्छे अमाउंट के अंदर यहां पर विन कर सकते हैं यूएसडीटी, जो कि $1,000 तक बिल्कुल फ्री में विन कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, साथ ही साथ बिटकॉइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करने वाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन काफी ज्यादा पंप हो गया, तो इसके जो मेन जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और कितना ये ड्रॉप हो सकता है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लो, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हम सबसे पहले स्नैपेस के जो कैंपेन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रेड टू ड्रॉ दिवाली कैंपेन। इसमें आपको जो कैंपेन स्टार्ट होगा ये होगा 9 नवंबर से और 13 नवंबर के तक चलने वाला है। इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या है, आपको टिकट्स मिलेंगे। इसमें जितने ज्यादा आपके पास टिकट्स रहेंगे उतनी ज्यादा विनिंग के चांस यहाँ पर रहेंगे इसके अंदर। तो एवरी $5,000 के वॉल्यूम पे आपको एक टिकट मिलने वाला है। $5,000 का वॉल्यूम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सा आपको जो इनका मिनिमम डिपॉजिट है $50 डिपॉजिट करिए, उसके बाद में 100x लेवरेज की ट्रेड कर लीजिए, तो आपका एक ही ट्रेड के अंदर आप तुरंत ओपन करके क्लोज कर दीजिए, जिसमें $2-1 का वहाँ पर ट्रेडिंग फीस लगेगा, उसके बाद में आपको $5,000 का यहाँ पर तुरंत वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल इजीली आप ये वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप दो तीन ट्रेड ऐसे कर लेते तो आपको 3-4 टिकट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल 20 अवार्ड्स हैं, जो कि up to $1,000 के आसपास के रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड यहाँ पर जितना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करोगे उतने ही ज्यादा आपको टिकट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इनका सीधा फॉर्मूला यही है कि जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे जितना ज्यादा ही आपके जो विनिंग के चांस है वो रहने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान कंट्री के लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पर जो प्राइजेज है उसकी बात करें तो ग्रैंड प्राइज के अंदर फर्स्ट प्राइज है, इसके अंदर $200 मिलने वाला है, सेकेंड प्राइज के अंदर $150 और इसमें थर्ड प्राइज के अंदर $100 मिलने वाला है। फोर्थ से लेकर सिक्स प्लेस वालों को 50 USDT ईच वन को मिलेगा, और 7 से लेकर 12th के बीच में 30 USDT ईच वन को मिलेगा, और 13 से लेकर 23 के बीच वालों को 20 USDT ईच वन को मिलने वाला है। इसमें रूल एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों के लिए है। $5,000 के वॉल्यूम पे आपको एक लकी ड्रॉ टिकट मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, जितना ज्यादा आप अगर ट्रेड करेंगे उतने ही ज्यादा आपको टिकट्स मिलने वाला है। ये यहाँ पर सारे के सारे काउंट होते रहेंगे। बाकी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपको 50 USDT से ट्रेड करते हैं, 100x लिवरेज लेते हैं, तो आपका एक ही ट्रेड के अंदर $5,000 का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो पूरी क्लोज ट्रेड होगी उसका वॉल्यूम काउंट होगा। और यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल दी गई कि आप अगर दो टिकट आपके पास हैं और दोनों ही विन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका एक ही विनिंग चांस रहेगा, आपके पास 10-15 टिकट्स हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भी लग सकते हैं आपके लकी ड्रॉ के अंदर, तो ये भी इन्होंने रखा है। बाकी जो विनर्स है वो अनाउंस किए जाएंगे लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर 15 नवंबर को। बाकी 10 वर्किंग डेज के अंदर जैसे ही कैंपेन होगा खत्म, तो 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो USDT है आपके वैलेट में मिल जाएगा, जिसको आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने वाला है। बाकी जो लीडर बोर्ड होगा, मतलब जो टॉप में रहेंगे, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, और लकी ड्रॉ के रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे जैसे ही ये कैंपेन स्टार्ट होगा। बाकी इनके जो ट्विटर टेलीग्राम है इनको फॉलो करके रख लो, जिससे कि आप वहाँ पर जो भी आपको अपडेट रहेगी वो इस पर आती रहेगी। साथ ही साथ स्नैपेक्स ने नया अपग्रेड कर दिया है एप्लीकेशन के अंदर, काफ़ी अच्छा इंटरफेस आ गया है, तो उसको आप डेफिनेटली अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी तक नहीं किया तो। रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको न्यू इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको बेटर तरीके से और ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सिंपल सा आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है, वो सारे की सारे डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्कुल इजी तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें जाके आप बिल्कुल इजी तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं। आपको $5 से $20,000 तक की ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे 100x लिवरेज मिल जाता है, साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट सारे के सारे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको, जिससे कि आप छोटी मोटी ट्रेड कर लो, जिससे आपके जो स्नैप पॉइंट है अगर कम पड़ रहे हो तो आपको विनिंग वहां से ज्यादा कर करके आप $100 वहां से भी निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास स्नैप पॉइंट हो जाते हैं। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं, अगर आप परफेक्टली ट्रेड करते हैं लिवरेज के अंदर
तो आपके जो ट्रेड करोगे उसका जो आपको ट्रेड का जो कमीशन कटता है, फीस कटती है, उसके बदले में आपको कुछ स्नैप पॉइंट मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके अंदर भी विनिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी इनका एफिलिएट प्रोग्राम है, उसको भी अगर आप ज्वाइन करते हैं और किसी को रेफर करते हैं तो अप टू 50% यहाँ पे आप कमीशन पा सकते हैं, और जो आपका सेकेंड लेवल है उससे 10% का कमीशन पा सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्रांडिंग मार्केटिंग सपोर्ट भी करेंगे अगर आप वहाँ पे इनके लिए कुछ रेफर्स करते हो तो। डेफिनेटली अगर आपके पास रेफर्स हैं तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैं बता दूं, स्नैपेक्स के किसी भी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप डेफिनेटली इनके जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करके रख लेना। अभी हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट की, जहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी टाइम से बूम कर रहा है, लगभग 3 सप्ताह हो गए रेगुलर यहाँ पे बुलिश कैंडल्स ओपन हो रही है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश बन गया बिटकॉइन। तो अभी जो रिसेंट के अंदर ये अपडेट है कि यहाँ पर बिटकॉइन बहुत फाइनल डिसीजन यहाँ पर इसका होने वाला है, यहाँ पर डू और डाई वाला गेम यहाँ पर होने वाला है। अगर यहाँ से ये जो लेवल है ना 11,000, ये वाला लेवल 11,600 के आसपास का लेवल, एग्जैक्ट नहीं है 11,500, 600 और 11,400, मतलब 300-400 डॉलर के डिफरेंस में एक लेवल है, मतलब 11,500-600 का। उससे अगर ब्रेक होता है तो आपको सीधा सीधा 30 से लेके 40% का करेक्शन विद इन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर दिखने वाला है अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो। उसके बाद में आप देखिए जो इनकी हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से देखिए इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ से बिटकॉइन था 11,400 के आसपास और 11,400 से एक ही दिन के अंदर अंदर सीधा 7,500 पे आ गया था बिटकॉइन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा करेक्शन हुआ, 7,500, 8,500, 9,500, 2,000 डॉलर ये हो गए, 10.5 और 11.5, मतलब 4,000 डॉलर का एक ही दिन के अंदर अंदर डंप हुआ था। तो ये मत सोचो कि बिटकॉइन लगातार पंप हो रहा है, 20,000, 30,000, 40,000 चला जाएगा। जो जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो लोग सब पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं सोचते। ये कोई आज नहीं हुआ, मैं मार्केट को जब मैं आपको बता दूं ये जो कैंडल्स हैं मैं यहाँ से मार्केट को देख रहा हूँ, ये सारी की सारी नहीं बनी थी ना, मैं मार्केट को यहाँ से देख रहा हूँ। ये यहाँ से क्या, मैं तो पूरा ये यहीं से जब ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट हुआ तब से ही मैं तो देख रहा हूँ इसको, अराउंड ये वाला मतलब 960-970 डॉलर के आसपास से मैं बिटकॉइन को फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैं बिटकॉइन के बारे में जानता था, उसमें ट्रेड करता था। तो यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है वो जैसे ही फोमो बनता है, जैसे ही बिटकॉइन अप होता है, जितना भी ये गया था ये इसी तरह से फोमो के अंदर गया था और काफ़ी ज़्यादा फोमो क्रिएट हुआ। उसके बाद में देखा आपने यहाँ पर आया था 3,000 के आसपास, यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा रुका था बिटकॉइन, 3 से 4 की रेंज में 4-5 महीने तक चला था ये। उस टाइम कोई कुछ नहीं बोल रहा था बिटकॉइन के बारे में, लोगों ने यही सोचा था कि बिटकॉइन का द एंड हो गया है। उसके बाद में ये पंप हुआ और यहाँ पे आया, यहाँ पर भी लगभग 13,000 के आसपास आया था, सब लोगों ने पॉजिटिव सोचा। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, अगर आपको पता है, अगर आप 2-1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है तो जो फेसबुक की न्यूज आई थी कि ये होने वाला, उनके साथ में पार्टनरशिप हो रही, मतलब पूरी तरह से फेक न्यूज है, चल चल के ये बिटकॉइन को यहाँ पे रोक के रखा था 12-13 हजार, 11 हजार से ऊपर, और यहाँ पे फुल पंप डंप हो रहा था और लोगों ने यही बोल दिया था उस टाइम कि 30,000-40,000 होने वाला है, फेसबुक अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है, इस तरह के बहुत सारे न्यूज आ रहे थे। डेली क्रिप्टो करेंसी न्यूज के अंदर यही चीजें आ रही थी कि फेसबुक ने उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली, इंडिया के अंदर आ रहा है, जियो कॉइन आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे चीजें वहां पर उस टाइम हुई। और जैसे ये ड्रॉप तो कोई कुछ नहीं बोला, सब कुछ चले गए लोग, मतलब पता नहीं कहाँ गए, यहां तक आया तब तक कोई लोग कुछ भी नहीं आए, यहां से आया तो लोगों ने ये सोचा कि 4,000 पे आया, तो लोगों ने यही न्यूज आपको देखने को मिल रही थी कि बिटकॉइन का द एंड हो गया, माइनर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, माइनर्स ने सारी मशीनें बंद कर दी है, पूरी तरह से बिटकॉइन का द एंड होने वाला, ऐसी न्यूज आई थी। इस टाइम लोगों ने बाई नहीं किया, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो इसी चक्कर में फंस गए कि अरे यार ये तो माइनर्स भी भाग रहे हैं सब छोड़ छोड़ के, और अगर माइनर्स ने मशीनें बंद कर दी तो सब कुछ मतलब बर्बाद हो जाएंगे, ये तो जीरो हो जाएगा बिटकॉइन। और न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी, कई ट्विटर हैंडल, बड़े बड़े हैंडल थे, उन्होंने भी यही मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ प्रचार की कि यहाँ पर बिटकॉइन जीरो होने वाला है, ऐसा होने वाला, मतलब इस तरह की। उसके बाद में मार्केट को वापस से लोगों ने बूम किया, मतलब जो एक्सचेंजेस हैं, जो बिग बायर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बाइंग की और यहाँ से मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो आपने देखा है कि यहाँ पर 16,000 के आसपास गया है बिटकॉइन। यहाँ पर 16,000 आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आपने देखा है कि ये ब्रेक करता तो कितना खतरनाक डंप होता है। तो मेरी जो एक्सपेक्ट है
मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ बिटकॉइन आराम से आपको $7,000 के आसपास दिखेगा, और 7,000 नहीं आता तो $9,000 तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ, चाहे 1 महीने बाद आए चाहे 6 महीने बाद आए, आपको 9,000 पे आएगा बिटकॉइन, ये 100% श्योर है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी कंडीशन में आए, लाइक आपको यहाँ पर 21,000 चला जाए, 22,000 चला जाए, बट इसको $9,000 पे आना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, अभी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया ना तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कारण ये है कि जब बिटकॉइन ड्रॉप होगा उस टाइम ओल्ड्स काफी ज्यादा ड्रॉप होने वाला है। अगर बिटकॉइन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया ना तो ओल्ड्स कॉइन की बहुत ज्यादा बुरी हालत होने वाली है, अगर 11,400 से नीचे आ गया तो उस टाइम आपके पास एक तो आप बिटकॉइन में फंस जाओगे, उस टाइम आपके पास 40-50% का सीधा सीधा लॉस है, तो ना तो आप ओल्ड्स कॉइन बाय कर पाओगे ना बिटकॉइन बाय कर पाओगे। फिर आप जैसे ही डाउन आएगा आप लॉस में सेल करोगे, उसी जगह से बिटकॉइन पंप हो जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, आप छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ से बहुत बड़ा लॉस खा सकते हो, तो बिल्कुल भी ट्राई मत करो बाय करने की। जाने दो, मैं खुद भी नहीं सोचता कि जाने दो, आप जा रहा है तो अपन ने मिस कर दिया, कोई नहीं, अगली बार अपने को चांस मिलेगा। मार्केट के अंदर आपको 100% की चांसेस बार बार मिलते हैं। अगर बिटकॉइन बाई द वे बिटकॉइन चला भी जाएगा, 20,000 40,000 भी चला जाएगा, तो अपन ओल्ड्स के अंदर घुस जाएंगे, उसके अंदर अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओल्ड्स के अंदर अभी आज ही देखा है ना आपने कि मतलब YFI कॉइन ले लो आप, बहुत सारे जो कॉइन्स है मतलब 100% 200% हो गए विद इन एक दिन के अंदर अंदर। तो अपन ऐसे कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि अपन मतलब ये 10,000 से बिटकॉइन 20,000 जाएगा तो मतलब अराउंड 3 महीने लगेंगे, बट अपन ने अगर अच्छी कॉइन सेलेक्ट कर दी तो एक ही दिन में अपन मतलब इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट आपको राइट टाइम पे एंट्री लेनी होगी। तो इस तरह से आप अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना बिटकॉइन के अंदर तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसी चीज मत करना। मैं तो 2017 से देख रहा हूँ गाइस, ये सारे के सारे चार्ट मेरे देखने के बाद ही बने हैं, तो मुझे तो सारे पता है। इस लेवल से नीचे आते ही सब लोगों को साफ सुन जाता है, कोई नहीं बोलेगा आपको कि बिटकॉइन बाय करो, सब गलत न्यूज आती रहेगी और उस टाइम आप ऊपर बाय करके बुरी तरह से फंस जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप करें तो क्या करें। लॉस में सेल करोगे तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने $100,000 इन्वेस्ट किया, वहां पर आपको अगर 50% डाउन हुआ तो $500 हो जाएगा। अब $500 के अंदर आपने करोगे क्या, उस टाइम अगर सेल कर दिया उस टाइम ही बिटकॉइन पंप हो गया तो फिर तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे, फिर आप अगेन ऊपर एंट्री लोगे और उसी जगह से ड्रॉप हुआ तो उस $500 का वापस $200 हो जाएगा, तो आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। $200 से अब आपको $100 का $200 से $1,000 करने में पसीने छूट जाएंगे, आपको दो दो तीन तीन साल तक का टाइम लग जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो पंप हो गया, चाहे कॉइन हो चाहे कोई भी चीज हो, पंप हो गया छोड़ दो उसको, बिल्कुल ही नहीं सोचना उसके बारे में, छोड़ दो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉइन है, उसके अंदर एंट्री ले लो, डाउन के अंदर एंट्री लेके उनको छोड़ दो। प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं, इससे भी बेटर बेटर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का कोई ज्यादा यूज केस नहीं। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत फीस भी लगती है, जो स्मॉल अगर आप अमाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं तो आपको काफी फीस लगती है। और ट्रांजेक्शन में अभी जैसे बिटकॉइन पंप हुआ तो नेटवर्क के अंदर कंजेक्शन आया, जिस वजह से दो दो तीन तीन दिन तक इनके जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस नहीं हो रहे, तो फिर मतलब क्या है बिटकॉइन का? अगर आप 3 दिन लगा रहे हो ट्रांजेक्शन में तो फिर मतलब कि अगर ये $40 चला $40,000 चला गया तो फिर तो 6 महीने में नहीं जाएगा बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए ऐसी चीजें आप मत करो कि टॉप पे बाय करो, बिटकॉइन से ज्यादा आपको इथेरियम का यूज केस दिखेगा, दूसरे कॉइन्स का यूज केस दिखेगा जो इससे भी ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे कि जो ट्रॉन की देखो कितनी ज्यादा फास्ट ब्लॉकचेन, अगर आप ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक वैलेट से दूसरे विद इन सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। तो इस ऐसी चीजों मतलब दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं काफी ज्यादा फास्ट आ रहे हैं, तो बिटकॉइन को बस फोमो के अंदर लोग ले जा रहे हैं। बस इसका एक ही खासियत है कि लिमिटेड सप्लाई है, और जो माइनर्स के थ्रू माइन हो रहा है तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता। दो चीज यहाँ पर ज्यादा है इस वजह से फोमो। बाकी यूज केस की बात करें तो अगर ये 20,000 भी पार हो गया ना तो आपको 3-4-5 दिन लग जाएंगे एक ट्रांजेक्शन को करने में, तो फिर कौन बाय करेगा यार, कौन इसको ट्रांजेक्ट करेगा कि भाई 5 दिन से बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन जाएगा, फिर कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। तो ऐसी चीजें मत सोचो, अभी काफी कुछ टाइम लगेगा इसके अंदर ऊपर जाने में। और अगर चला भी जाए, यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, अभी भी बायर एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अभी डाउन हो जाएगा, मे भी यहाँ पर आएगा फिर थोड़ा सा डाउन आएगा, इस रेंज में आएगा फिर एक बार वापस से कोशिश करेगा ये 15,000-14,000 जाने की, फिर वहां से ड्रॉप होगा तो फिर आपको 40-50% का एक दिन में ड्रॉप देखने को मिलेगा। 100% है कि करेक्शन जरूर आएगा, करेक्शन के बिना ये पंप हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो आप मतलब वेट करो थोड़ा सा, और ये मत सोचो कि बिटकॉइन ऐसे भाग गया, ऐसा मत सोचो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लेके चलोगे
तो ही आप सफल हो पाओगे। लोगों के पीछे आप देख रहे हो, लोग ऐसा बोल रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिटकॉइन 50,000 60,000 हो जाएगा, बिटकॉइन के जैसे कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो कॉइन्स है उसके काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब काफी अच्छे प्रोजेक्ट है जो कि इससे भी फास्ट करते हैं, तो अपन उसके अंदर घुस के भी वहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो काफी बड़ा हो गया तो इस वजह से ज्यादा आप नहीं लेंगे आपका टाइम, और अपडेट देंगे हम जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच।